Now this question is like often asked in various competitive exams, especially in UPSC prelims, कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देंगे, उनका बोलेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसके लिए एक रूल है बेसिकली, एक मतलब एक मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वर्ल्ड से स्टार्ट होता है या फिर इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है, किसी से जिसका नाम वर्ल्ड से स्टार्ट होता है या फिर इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है एंड द नेम एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा, दैट इज जिनेवा ऑफ स्विट्जरलैंड होगा। तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाई है जिसका नाम वर्ल्ड से शुरू होता है और एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड से शुरू हुआ एंड ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हुआ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से शुरू हुआ ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हुआ, दैट इज विपो। विपो का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। एंड देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। एंड अब दूसरा देखते हैं जिसका नाम इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ISO, ISO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो ISO को ओरिजिनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको छोड़ देते हैं। लेट्स रिमेंबर दिस कि ISO का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा पर्पस अभी हेडक्वार्टर याद करना है। तो इंटरनेशनल से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है या फिर वर्ल्ड से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है, तो उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम इंटरनेशनल से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म भी होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, राइट। सो दिस इज अ ट्रिक विच यू कैन अप्लाई ड्यूरिंग योर एग्जाम्स।